अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने दो अपने डिफरेंशिएट कर लिए थे, आज हमने करना था थर्ड वन। फर्स्ट वन हमारा था बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, सेकंड वन इज़ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, एंड थर्ड वन इज़ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। आप लोग अपना काम कॉपी पे नोट डाउन करें और उसको काइंडली सबमिट करवाएं। इससे पहले मैंने आपको 5 डेफिनेशंस करवाई थी, उसका भी आप लोग साथ ही साथ सबमिट करवाते जाएं। जैसे जैसे मैं कॉपी पे काम करवा रही हूँ, आप साथ साथ करें और उसको काइंडली सबमिट करें। इसके साथ आप लोग को मैं एक डायग्राम भी इस वर्क के साथ अटैच होगी, तो वो डायग्राम आप लोगों ने अपने ब्लैंक पेज के ऊपर ड्रॉ करनी है। वो सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेड डायग्राम होगी, उसको एज इट इज़ बनाना है आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर, और उसको कलर भी करना है। इट्स अप टू यू, यू कैन ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ डेफिनेशन और यू कैन ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ द डिफरेंशिएट क्वेश्चंस। आप जिस मर्जी के सामने ब्लैंक पेज जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। The change of solid state of matter into its liquid. इसके अंदर क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट का चेंज होता है into its liquid state, melting के अंदर। The change of liquid state of matter into solid state. Freezing के अंदर क्या होता है, liquid state change हो जाती है solid state के अंदर। Solid ice become liquid water. जो solid ice होती है वो liquid water बन जाती है। लिक्विड वाटर बिकम सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर जो होता है वो सॉलिड आइस बन जाता है। इसलिए एग्जाम्पल देख लें, आइस टू वाटर, बर्फ जो पानी में चेंज हो जाती है तो वो मेल्टिंग का उस टाइम प्रोसेस हो रहा होता है। सॉलिड वैक्स टू लिक्विड गैस, सॉलिड वैक्स जो होती है वो जब लिक्विड में मेल्ट हो जाती है तो भी मेल्टिंग का प्रोसेस उस टाइम हो रहा होता है। वाटर टू आइस, जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाती है, तो तब उस टाइम फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। लिक्विड गैस टू सॉलिड वैक्स, जब हम लिक्विड वैक्स को किसी कूल प्लेस पे रख देंगे फ्रीजर में तो डेफिनेटली वो सॉलिड वैक्स बन जाएगी, तो तब भी फ्रीजिंग का प्रोसेस उस टाइम हो रहा होता है। थैंक यू।